Hi guys, welcome back to my channel. My name is Dr. Sushma Kataria and today I'll be doing one Meesho lehenga haul. Yes, so let's get started to the haul. Okay, so पहला lehenga मैं आपको दिखाने वाली हूँ and आज हमारे साथ आई है Myra. Myra, hi करो. ओके तो मायरा जो आई है ना, एक्चुअली जो मायरा ने लहंगा वेयर करा हुआ है ये भी अभी मीशो से ही मंगवाया है, जो बेबीज का लहंगा होता है वो वाला. तो ये अभी मैं इसका भी दिखाने वाली हूँ. एंड पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला लहंगा. इसमें ना लाइक जो ये लहंगा आज जिनका मैं रिव्यू करने वाली हूँ ना, ये ना नवरात्रि स्पेशल लहंगा आते हैं. तो ये जो पहला लहंगा है ये येलो एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है. येलो के ऊपर ना ये मस्टर्ड येलो एंड पूरा ना पूरा जिगजैग में सीक्वेंस लगे हुए गोल्डन कलर के. और इसमें मिरर का काम हो रखा है. मिरर भी फॉल्स मिरर नहीं है, मतलब जो रियल वाले मिरर्स होते हैं ना वो मिरर्स लगे हुए हैं. ये मैं थोड़ा सा ना पास से दिखा देती हूँ आपको. इसपे लाइक ये नीचे ना मोर वाला पैटर्न बना हुआ है बॉर्डर्स पे, और इसमें गोल्डन थ्रेड का काम हो रखा है. उसपे मिरर्स लगे हुए हैं और ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड मिरर्स लगे हुए हैं. काफी अच्छा सा लुक आ रहा है इस लहंगे का. ये आपको सेमी स्टिच मिलता है, आपको खुद ही स्टिच कराना होता है. मायरा मत करो यार, अभी भगा दूंगी वीडियो में से बता रही हूँ. ये इस पे ना पूरे में सीक्वेंस लगे हुए हैं और ऐसा कुछ आपको ओपन मिलता है या आपको खुद रेडी कराना होता है यहाँ पे. या तो आप चाहे तो एक लाइक पूरा एक बार आपका लहंगा दिखा देते फिर चले जाना. आप चाहे तो यहाँ पर पूरा ना एक स्टिचिंग भी लगवा सकते हैं, ये वाली ना पूरी स्टिचिंग लगवा सकते हैं. एंड या आप अगर आप इसको थोड़ा हैवी लुक देना चाहें तो इसमें कैन भी लग सकती है नीचे, और इनर्स वगैरह लगा के ना अच्छा सा लुक आएगा इसका. ओके तो इसके साथ जो ब्लाउज पीस जो लहंगे के साथ रिसीव होता है, मतलब इस लहंगे के स्कर्ट के साथ रिसीव होता है वो ये ब्लाउज. और ब्लाउज थ्री पीसेस में रिसीव होता है. वन पीस जो है इसमें फ्रंट के लिए मिल जाता है. ये आपको कुछ ऐसा सा इसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है एंड इस पर भी लाइक मिरर वर्क हो रखा है पूरे पे, और एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ब्लू कलर की. एंड ब्लू कलर, पिस्ता ग्रीन कलर, रेड कलर और पूरे में रियल मिरर्स लगे हुए हैं इसमें भी. और ये भी काफ़ी अच्छा सा लुक आपको दे रहा है. बट मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा शायद इसका ना लाइक जो इसकी लेंथ है वो कम है ब्लाउज पीस की. तो यस, और इसके साथ इसका जो बैक पोर्शन है वो हमें प्लेन रिसीव होता है. और जो लहंगे का और इसका ब्लाउज का जो फैब्रिक होता है ये सैटिन सिल्क रिसीव होता है मस्टर्ड येलो कलर में. इसका ठीक ठाक लग रहा है, बट जो फ्रंट वाला था उसका मेरे को थोड़ा सा कम लगा. इसके साथ जो स्लीव्स आती हैं, बट हाँ यस, स्लीव्स के लिए अलग से दी गई है. और स्लीव्स भी काफ़ी प्रिटी सा लाइक वर्क हो रखा है पूरे पे, सेम जो फ्रंट और बैक पे हो रखा था वही सेम हो रखा है वर्क भी. एंड ये भी काफ़ी प्रिटी सा है, मिरर वर्क हो रखा है इस पर भी. और वही सेम काफ़ी सारे मल्टी कलर थ्रेड्स यूज कर रखे, तो काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी होगी, काफ़ी अच्छा सा लुक आने वाला है. और कुछ यहाँ तक कि आपकी ये स्लीव्स ना इजीली रेडी हो जाएंगी, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा. और अगर बात करें इसकी प्राइस वाइज, तो इसने मेरे को कॉस्ट किया है 1672, तो 1672 के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी डील है. और नवरात्रि स्पेशल लहंगा तो काफ़ी अच्छा है ये. चलो अब मायरा को बता रही, बहुत परेशान कर रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है ये एक्चुअली. तो इस एक्चुअली जो मायरा का मैंने ऑर्डर किया था लहंगा, इसके साथ ना ये ऊपर कुछ ऐसे चोली में ये कुर्ता मिल जाता है. हालांकि इसने कुर्ता पहना नहीं है, इसने बोला मम्मा मुझे भी कुछ ब्लाउज टाइप का ही पहनना है, तो इसने अलग से ही स्टाइल करा हुआ है. मायरा चलिए आओ. और इसके साथ आता है, आप एक बार ऊपर आओगे सोफा के ऊपर चढ़ोगे. और इसके साथ आता है ये लहंगा, ये रिसीव होता है लहंगे के ऊपर भी ना पूरा लाइक ये प्लेन येलो कलर में है. और कॉटन इसका फैब्रिक है जो ये बेबी लहंगा है. और इसने कॉस्ट किया 323 या 322, तो इसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है. और इसके जो लाइक जो बॉर्डर पोर्शन है ना उसके ऊपर ये कुछ ऐसा सा जो गुजराती लेसेस आती हैं वो लगी हुई है, काफ़ी अच्छा देखते गुजराती वाली फील आती है. और इसने जो ब्लाउज पीस, जो ब्लाउज तो इसने लाइक अलग डिफरेंट ही वेयर करा हुआ है, तो इसके साथ कुछ ऐसा आया था जो इसके नेक पे वर्क हो रखा है. वही मेरा भाग जाओ आप, मैं बता दूंगी अब. जो इसके ना अलग ही नेक पे वर्क हो रखा है ना, ये सेम वर्क इसके उस पर भी हो रखा है मायरा वाले, जो मायरा ने जो पहना हुआ है उसके लहंगे पे हो रखा है. और ये सिर्फ टू पीस आता है, इसमें कोई दुपट्टा नहीं आता है. मायरा को मैंने दुपट्टा सेपरेटली लाइक पहनाया हुआ है, तो ये इसके साथ सिर्फ ये दो पीस में आता है. ये ऊपर की चोली है, लहंगा उसने पहना हुआ है. तो 323 में तो ये भी काफ़ी अच्छी डील है.
जो मायरा वाला लहंगा मैंने बता दिया है, बट जो फर्स्ट वाला लहंगा था लाइक मस्टर्ड कलर एंड पिंक कलर में जो लहंगा था उसके साथ मैं दुपट्टा बताना भूल गई मायरा के चक्कर में, तो उसके साथ जो दुपट्टा रिसीव होता है वो ही ये वाला। और एक्चुअली ये ना काफ़ी अच्छा सा एकदम फिरोजी कलर में जो एकदम आता है ना फूशिया पिंक जो होता है उसमें है, और इसमें ना ब्लू कलर की ये ऐसे टैसल्स लगे हुए हैं पूरे पे, ब्लू कलर की लेस लगा के टैसल्स लगा के, और इस पर भी काफ़ी अच्छा सा वर्क हो रखा है लाइक ब्लू कलर में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और इसमें भी मिरर वर्क हो रखा है इसमें भी पूरे में, और काफ़ी अच्छा सा लाइक इसमें भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है पूरे के पूरे में। ओके तो अब जो नेक्स्ट लहंगा है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, कुछ ऐसे येलो कलर में है और इसमें भी पूरे में लाइक ऐसे ये पूरा रंगोली पैटर्न जो होता है ना वो बना हुआ है, और ये काफ़ी हैवी सा लहंगा है, और अकॉर्डिंग टू प्राइस लाइक इसने कॉस्ट किया है 1372 के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छी डील है ये, पूरे में मिरर वर्क हो रखा है इसमें भी, मिरर वर्क लगा हुआ है, रंगोली पैटर्न बनी हुई है, काफ़ी अच्छा सा फ्लोरल पैटर्न बना के इसमें लाइक जो वेस्ट पोर्शन होता है उस पर बेल्ट टाइप के कुछ ऐसा बना हुआ है, और बीच में लाइक जो इसका बेस कलर इन्होंने रखा है दैट इज़ येल्लो, एंड येल्लो के ऊपर ना ये कुछ ऐसे रंगोली पैटर्न में बना के और मिरर वर्क हो रखा है इसमें पूरे में, और कुछ ऐसा सा पूरे में लाइक ये नीचे जो बॉर्डर्स है उसमें जिगजिग करके, और पिंक और ब्लू कलर में वाइट कलर की जिगजिग लाइंस बनी हुई है, काफ़ी अच्छा इसका घेरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इस लहंगे में ना, और ये भी आपको ना अगेन ओपन मिलता है ऐसा कुछ इतना वाला इतना फ्लेयर मिल जाता है आपको इस लहंगे का, फ्रंट से ही आपको एक बार दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसका फ्लेयर है इस वाले लहंगे का ना, काफी ज्यादा क्लियर है इसका, और अकॉर्डिंग टू 1372 आई विल से कि ये काफ़ी अच्छी डील है, आपको ना डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए अगर आप कुछ नवरात्रि के लिए कुछ अच्छा सा लहंगा या लाइक बोलते हैं चनिया चोली कुछ ऐसा ट्राई करना चाह रहे हैं, और इसका जो दुपट्टा है ये भी काफ़ी प्रिटी सा है, ये इसका दुपट्टा है, ये भी काफ़ी मल्टी कलर में है, और इसमें भी जिगजग पैटर्न में लाइक पिंक कलर के ऊपर वाइट कलर की जिगजग लाइंस बनी हुई है, एंड ये कुछ ऐसा था फ्लोरल पैटर्न करके, फिर से कुछ ऐसा गुजराती टाइप जो गुजराती ट्रेडमार्क होता है ना ये वाला जो ये बॉर्डर आ जाता है ये वाला, इस पर ये फिर से मिरर वर्क लगाए हुए हैं, और अगर बात करें इसकी फैब्रिक की तो सिंथेटिक फैब्रिक है, सिर्फ मायरा वाला जो लहंगा था वो कॉटन का है, बाकी ये सारे के सारे ना सिंथेटिक फैब्रिक में है, और काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक है, ऐसा नहीं आपको इरिटेट करता है या कुछ नहीं, और काफ़ी आई सूदिंग से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रखे हैं, काफ़ी वाइब्रेंट सा लहंगा है, इसके साथ जो ब्लाउज पीस रिसीव होता है एक्चुअली इसमें जो ब्लाउज पीस रिसीव होता है ना वो भी थोड़ा सा लाइक ब्लू कलर में ना ऐसे फ्लोरल पैटर्न में आपको रिसीव होता है, और इसमें भी टू पीसेस में ही आपको मिलता है आप तो कुछ फ्रंट में चोली के लिए कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, फ्रंट में कुछ ऐसा है एंड बैक में ही ऐसा सा है पूरे में फ्लोरल पैटर्न बना हुआ है, या आप जो भी अगर आप बैक में ये वाला करवाना चाहे आपको बैक थोड़ी स्टाइलिश रखनी है तो आप फ्रंट में ये वाला करवा सकते हैं, बाकी फ्रंट में अगर आप ये करवाना वो आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मतलब कैसे मिक्स एंड मैच करते हैं कैसा डिज़ाइन करवाते हैं, और ओवरऑल आई विल से कि काफ़ी अच्छा सा ये वाला लहंगा दो ना लाइक यू शुड ट्राई इट, मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, और कुछ ऐसा सा आपको कुछ ऐसे वाली पैकेजिंग में ही आपको रिसीव होता है, और ये काफ़ी प्रिटी सा लहंगा है, और उसमें एक्चुअली कार्ड भी इन्होंने दे रखा है कि अगर आप कुछ ऐसे पेटीएम वगैरह करते हैं तो आपको लाइक फ्लैट इतना परसेंट ऑफ मिल जाता है या ऐसा है, काफ़ी अच्छी डील भी चलती रहती हैं, एंड ये कुछ ऐसे वाली पॉली बैग में आपको रिसीव होता है, तो यस इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा लहंगा है, आई विल लाइक सेफली काफ़ी प्रिटी लहंगा है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का होल वीडियो लहंगा से जो रिलेटेड था, ये मैंने नवरात्रि स्पेशल लाइक ध्यान में रखते ही मैंने ये मंगवाया था, और आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो मेरी वीडियो यूजफुल लुक लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक डू शेयर माई वीडियोज़, एंड यस थैंक यू, बाय बाय।